टाइम हो गया है 10:30 हो गए, निकलने का टाइम हो गया। भैया को कॉल आया था कि अभी 5 मिनट में निकल जाइए, तो पहले भैया के यहाँ जाना है, फिर उसके बाद भैया के यहाँ ही मैंने भैया बैग पहले ही रख दिया था वहाँ पे, तो भैया के यहाँ से ही अपना बैग उठाऊँगा, फिर सीधा गाड़ी में रखेंगे और फिर गाड़ी निकालेंगे। गाड़ी निकालने का टास्क बहुत मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि वो अभी आपको दिख ही जाएगा कि क्यों है। गली में ऑलरेडी 4 गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं और पता नहीं अब कैसे निकलेगी, अब जो भी होगा निकलना तो है। तो गाइस लेट्स गो, चलते हैं यार, जर्नी स्टार्ट करते हैं। और आगे जैसा भी होगा, मैं सोच रहा हूँ कि जो भी व्लॉग होगा, मतलब 2 पार्ट या 3 पार्ट तो मिनिमम निकालूँ, बाकी देखते हैं यार आगे जैसे जैसे होता है। कि गाइस निकलते हैं, निकल गए हैं। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है यार अभी तो। और देख लो यार, मैं क्यों कह रहा था आगे से। पहले 20 मिनट में भूख लग गई है। गाइस हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए, आप देख सकते हैं। भाई साहब ने पहले ही उसमें रास्ता बुला दिया था, फिर उसके बाद यूटर्न लेके वापस से आए हम। भाई बहुत दिक्कतें हो रही है, हमें रास्ता नहीं मालूम है, बहुत हमारा नेट भी नहीं चल पा रहा है एक्चुअली, हमें पता नहीं चल रहा है कि मैं जाना कैसे है। हम पे कैश खत्म हो गया, हमारा कैश मांग रहा है डीजे आपने आ रहा है, खत्म हो गया हमारे पास एक्चुअली। हमें कहीं से पेमेंट आनी थी, वो हमारी आ रही भाई है, तो प्रॉब्लम हो गई। हम सोच रहे हैं तो गाइस नहीं जाए, आधा रास्ते से वापस आ जाए। जो जो ये वीडियो देखेगा प्लीज एक एक करके पेटीएम करते रहना, करते रहना, पेटीएम रुकना नहीं चाहिए। वी नीड योर सपोर्ट। हम पहली बार जा रहे हैं वहां, पहली बार जा रहे हैं और आज तारीख हो गई है 1 दिसंबर। और टाइम हो रहा है, लेकिन अब हो गया 1 तारीख, टाइम हो रहा है सुबह के। कट कर देंगे भाई, ये कट कर देंगे, कट कट कट, टूट हुई आवाज आएगी। काम हो जाए भाई, अभी गाइस हम हाईवे पे निकल, हमने अभी हाईवे चढ़ा है मेरठ वाला, मेरठ क्या है, मेरठ हाईवे चढ़ चुके हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस टाइम दिखा रहा है यहाँ से 4-4.5 घंटा, तो इस हिसाब से हमें 5:30 बजे तक। ठंड लग रही है तो ये हमारी राइड, ये रहा गाइस ढाबा। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आगे अब अपना देहरादून के लिए निकलेंगे हम, फाइनल स्टॉप है। तो आज डेट है 1 दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। रात को हम 5:30 बजे इसी के करीब हम पहुंचे थे यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, तो अभी 10:30 बजे करीब उठे थे। थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा टेरेस पे घूमने आए हैं, और बाकी आगे का प्लान ये है, बस सुबह नाश्ता करके थोड़ा घूमने निकलेंगे, बाकी जो भी होगा आपको व्लॉग में आगे दिखाई जाएगा। तो गाइस पहला व्लॉग है, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमी पेशी रह जाए, तो प्लीज़ कोई कमेंट में गालियाँ मत देना, बस सपोर्ट करते रहना गाइस। अगर भाई कोई कलेक्टर हमारा भाई देख रहा है ये वीडियो, तो भाई प्लीज भाई से कांटेक्ट करें। भाई 1 रुपए का नोट तो मेरे पास भी है, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस।
भाई गुड मॉर्निंग, हमारा बजट हिल गया, इसे कैसे वापस से कट कर देंगे। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, अब ये आएगा, ये आएगा फ्रेम में यार। देखो सीन तो यहाँ पे बड़े आ रहा है, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो भी है बाकी मैं आपको दिखाई रहा हूँ। मौसम हो रखा है सुबह सुबह का बढ़िया एकदम। कहाँ पे भाई? उत्तरांचल यूनिवर्सिटी वो है ये जो आगे है, हाँ तो गाइज वो वहाँ पे है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये उसकी टेरेस पे हम घूम रहे हैं थोड़ा, और इसके बाद तो जहाँ पे हम रुके हैं उसके आसपास का एरिया हम आपको दिखा देते हैं। आसपास का एरिया तो यहाँ पे है तो बढ़िया ही, लेकिन यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट थोड़े बहुत पीजी वगैरह हैं। यहाँ पे थोड़ा भाई की जान पहचान थी तो वहीं पे हम रुके हुए हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि वहाँ पे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दी है, बाकी देहरादून। छोटा सा रूम टूर दे देते हैं आपको, इस वाले रूम में रहे हैं अपन। हेलो गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, इसी बारे में पहले एक बज गया है तो भाई लोग लंच अपन ने कर लिया है एकदम फुल घर घर स्टाइल वाला खाना एकदम बढ़िया। भाई ने भाई भाई की फोटो दिखा रहे हैं, भाई ने मदद कर, भाई लाइट जलाओ, भाई व्लॉग कहाँ है भाई? भाई ये भाई हैं। भाई कौन सी नदी है ये? गोदावरी। कौन सी नदी है भाई? भाई भाई का कहना है ये नदी है, लेकिन मेरे को नदी किस एंगल से, भाई किस एंगल से नदी लग रही है? तो भाई चैलेंज दे रहे हैं कि तुम्हारे गांव में भी ऐसी नदी होती है। डालूंगा भाई डालूंगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो भाई? ब्लॉग डालूंगा भाई। कैसा लग रहा है आपको? तो 2000 का चालान कटा के आओ भाई। भाई गाड़ी में घूमना कैसा लग रहा है आपको? 2000 का चालान लगा के काफी ज्यादा महंगा हो गया गाइस, लग रहा है हमें पैदल पैदल ही आना पड़ेगा। ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा चालान हो गया, बहुत ही छोटा सा। उसमें तो 2000 के चालान में तो खैर थोड़ा ही मूड खराब हुआ था, लेकिन ये इन्होंने जो नदी दिखाई है इससे तो पूरा चीची हो गया भाई। चीची भाई कुछ बोलोगे? तो यार आपको पहला पार्ट अच्छा लगा ही होगा यार, अच्छा नहीं लगा तो यार फिर भी थोड़ा काम चला लो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई दबा के कर दो यार, क्योंकि जो मेन सीन्स वगैरह थे सिनेमैटिक्स वगैरह है वो सेकंड और थर्ड पार्ट में आपके, और पहला पार्ट तो ऐसे ही था यहाँ से दिल्ली से देहरादून तक का, और रास्ते का जो भी हुआ था वो एक्चुअली ना इतना लंबा बनता भी नहीं, छोटा ही बन रहा था, लेकिन फिर भाई ने बोला कि यार इतना छोटे का क्या ही करेगा, तो फिर मैंने सुबह की मॉर्निंग की जो क्लिप थी थोड़ी बहुत वो वहाँ पर डाल दी यार, और बाकी जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। बाकी इस वाली वीडियो को यार प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाना, और बाकी मेरे बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि यार भाई इतना लेट क्यों ब्लॉग निकाला, तुम घूमने बहुत पहले चले गए थे लेकिन ब्लॉग इतना लेट निकालो। भाई वो एक्चुअली बेटी ये हो गई थी कि यार इतना ब्लॉग एडिटिंग से ना हम फैमिलियर थे नहीं, तो जो भी सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह होते हैं भाई, अब ट्राई तो पूरा किया, लेकिन अब देखते हैं कैसा लगता है आपको। ओके गाइस लाइक शेयर, भाई एक और बार बोलूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो। ओके मिलते हैं आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट।